टुडे आवर टॉपिक इज सम बेसिक डेफिनेशंस इन केमिस्ट्री। आज हम कुछ वो टर्म्स पढ़ेंगे जो हम अक्सर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मतलब मैटर, मास, सब्सटेंस, मिक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये वीडियो देखने के बाद इन टर्म्स का आइडिया आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। अगर हम अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें तो हम क्या पाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं। और ये सब सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर मैटर। जो हमारे तो हमारे जितने भी सराउंडिंग चीजें हैं वो क्या है, वो मैटर है। तो अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन करें तो मैटर को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है सब्सटेंसेस और मिक्सचर में। सब्सटेंसेस को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है सब्सटेंस को फिर लिक्विड और कंपाउंड में, और मिक्सचर को होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम जिस तरह हमने कहा कि हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें मैटर है, बॉटल ऑफ वाटर इज मैटर, ये लैपटॉप मैटर, वो चेयर मैटर, ये सब मैटर है। तो अगर हम मैटर की डिफिनेशन करें तो वी विल डिफाइन मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। हर वो चीज जो जगह घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ मास हो तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मैटर है। आपको मैं मिसाल देता हूँ, ये मार्कर है, ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये इसने कुछ जगह घेरी हुई है, तो इसने क्या की, फर्स्ट कंडीशन ऑफ मैटर की सैटिस्फैक्शन कर ली। अब इसका कुछ ना कुछ मास भी है, ये जगह भी घेरता है और इसका मास भी है, तो इसका क्या मतलब क्या हुआ, ये मार्कर मैटर है। इस तरह गैस, अगर गैस को हम सिलेंडर में डाल दिया, गैस मतलब गैस को अगर हम रूम में छोड़ दें तो वो रूम, वो पूरे रूम का स्पेस वो क्या है, वो गैस उस पूरे रूम का स्पेस भी घेरती है और गैस का कुछ मास भी होता है, तो गैस भी हमारे पास मैटर है। इस तरह सॉलिड भी हमारे पास स्पेस भी घेरती है और सॉलिड का मास भी होता है, इसी तरह लिक्विड का भी। तो हमारे साथ ये सब चीजें मैटर है। तो हर वो चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो और उसका मास हो तो वो मैटर है। स्पेस ऑक्युपाई, व्हिच ऑक्युपाई स्पेस मतलब जगह घेरती हो। अब उसका मास हो, मास की मतलब मास और वेट में फर्क है, आपको मास और वेट में फर्क जानना होगा। मास इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, मास इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी मैटर, किसी सब्सटेंस में कितने मकदार का मैटर मौजूद है उसे हम मास कहते हैं। मास इज एक्चुअली द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी। मास क्या है, मास हमारे पास, मास का मतलब ये है कि एक बॉडी में कितने मकदार का मैटर मौजूद है, तो द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। और अगर हम मास की फर्दर और डेफिनेशन करें तो हम मास को इस तरह भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये इस मार्कर का मास है। और इस मार्कर का वेट क्या है, इस मार्कर का वेट ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। इस मार्कर के वेट को अगर हम डिफाइन करें, the gravitational force with which the earth attracts the marker toward itself is the weight of this marker, and the quantity of a matter present in this marker is called the mass of the marker. So, matter का क्या होगा? Matter will occupy space and matter will have mass. Matter will have mass. By mass, we mean the quantity of matter present in a body. So, I hope आप मास और वेट में फर्क जान गए होंगे। मैटर को क्लासिफाई किया गया है सब्सटेंस और मिक्सचर में। तो सब्सटेंस की तरफ आते हैं। A pure piece of matter is called substance. वो मैटर जिसकी कंपोजिशन फिक्स हो, जिसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हो, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सब्सटेंस है। By specific composition means के वाटर की अगर हम मिसाल ले लें तो वाटर की कंपोजिशन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और ये अगर हम कहीं पे भी चले जाएं तो वाटर की यही कंपोजिशन फिक्स होगी। आप कहीं पे भी चले जाएं तो वाटर की यही कंपोजिशन होगी। तो वाटर की स्पेसिफिक कंपोजिशन है और वाटर की स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो वाटर हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है। अब मिक्सचर हमारे पास क्या है, मिक्सचर इज इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। और इम्प्योर मैटर मींस हैविंग नो फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स कंपोजिशन इसकी नहीं होगी। मींस साल्ट और शुगर इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। द प्रॉपर्टीज व्हिच इज एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमारे पास वो प्रॉपर्टीज जो किसी मैटर के फिजिकल स्टेट से
ताल्लुक रखती है, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर हम कलर की बात करें, टेस्ट की बात करें, स्मेल की बात करें, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो वो प्रॉपर्टी जो किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट से रिलेट करती है तो उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगर हम आइस की मिसाल ले लें, बर्फ, तो बर्फ क्या है, बर्फ ठंडा है, बर्फ सख्त है, बर्फ वाटर H2O से मिलकर बना है, तो ये क्या है, ये इसका कोल्डनेस, हार्डनेस, ये इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसके फिजिकल स्टेट से रिलेट करती है। तो इसी तरह कलर, टेस्ट, स्मेल, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ये सब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है। अगर हम बर्फ को लें, उसको हम टेम्परेचर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अगर हम उसको फर्दर टेम्परेचर दें तो वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तमाम प्रोसेस में, मतलब सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, इस तमाम प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है, फिजिकल चेंज इन्वॉल्व है। हमने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज किया, हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज की। वाटर हमारे पास, वाटर की कंपोजिशन सेम है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को कुछ नहीं हुआ इस दौरान, हमारे पास सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन दी कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड विद दी कंपोजिशन। किसी सब्सटेंस की कंपोजिशन डिसाइड करेगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब वाटर है, वाटर को अगर, वाटर की अगर हमने कंपोजिशन चेंज की तो क्या हो गया, वाटर की अगर हमने कंपोजिशन चेंज की तो मतलब H2O है, अर्थ के साथ हमने एक और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो H2O2 हो जाएगा, तो वाटर की क्या हो गई, वाटर की कंपोजिशन चेंज हो गई। कंपोजिशन चेंज हो गई तो अब ये वाटर नहीं रहा और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर की तरह नहीं रही। तो वाटर की अगर हमने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ तो H2O2 बन गया और ये हमारे पास न्यू केमिकल सब्सटेंस बन गया जिसकी नए केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस।